यो इट इज गोइंग ऑन गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड यार नया अपडेट आ चुका है, इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली इनसेन, अमेजिंग, बॉन्कर्स अपडेट। एंड इवन इफ आई गो टू से अहेड, ये अभी तक का बेस्ट अपडेट है इस गेम का, विदाउट अ डाउट, बिकॉज द चेंजेस आर सो मैसिव, सो ह्यूज, एंड द थिंग्स आर सो अमेजिंग, एंड द डेव्स डिड अ वंडरफुल जॉब। उससे पहले शार्प समर रिडीम कोड जाकर रिडीम कर लो, आपको 1000 एसेंस स्टोन एंड एक वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट का एंट्री टिकट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव अमामिया मिरे, एंड इस अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस अपडेट में क्या क्या आया है। एंड इसके बाद वाली वीडियो में विल बी शोकेसिंग दिस गर्ल अमामिया मिरे एंड टेक हर टू हर फुल पोटेंशियल, जहाँ पर ही हमारे पास अभी है। तो चलिए चलते इस वीडियो में बात करते, बट बिफोर दैट दिस इज आर शाउट आउट फॉर द डे। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमेंटिंग ऑन आर वीडियो, रियली अप्रिशिएट यू एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और चलिए चलते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देर इज अ मैसिव चेंजेस दैट आर इन द गेम, एज आई ऑलरेडी सेड। सबसे पहले जब आप जाओगे अपने चेक इन में तो आपको यहाँ पे दिख ही होगा यू आर गेटिंग चाहिन फॉर फ्री, एज आई ऑलरेडी सेड। 2000 एसेंस स्टोन, 2 हंटर SR Hunter एक्सक्लूसिव वेपन डिजाइन, काफी सारे कीज और एक 10 ड्रॉ टिकट आपको कल मिलेगा, सो यू कैन फीड योर गाचा एडिक्शन यूजिंग दिस। अलॉन्ग विद दैट, नॉट टू मेंशन, अगर आप अपने यहां पर चेक करोगे तो यहां पर भी एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा मेन्यू में, विच इज कॉस्ट्यूम कोडेक्स। तो कॉस्ट्यूम का भी एक कोडेक्स ऐड कर दिया गया, एंड आप गिल्ड वाइज सॉर्ट कर सकते हो लोगों को, लाइक यू कैन सॉर्ट ऑल द हंटर्स हियर बेस्ड ऑन देयर गिल्ड। ओके, हंटर्स एसोसिएशन में यहाँ पे आई थिंक वू जिनचुल भी आना चाहिए और भी हंटर्स आने चाहिए, बट उनके कोई कॉस्ट्यूम नहीं है इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यो जिन्हों का कोई कॉस्ट्यूम नहीं इसलिए वो यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि वाई दे हैवेंट बीन एडेड, दे हैवेंट बीन एडेड बिकॉज उनका कोई कॉस्ट्यूम नहीं है। तो जिस गिल्ड का कोई कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम आया है उस हिसाब से उन्हें यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। सो देर इज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आएंगे तो सबसे पहला और सबसे नोटिसबल चेंजेस है इज द स्टोरी मोड। तो स्टोरी मोड में एडिशनल चैप्टर्स ऐड कर दिए गए, आप यहां पर देखोगे तो ये देखो ये यहां पर लिखा जाना चाहिए था एक्स्ट्रा चैप्टर, हिडन चैप्टर। तो 18 चैप्टर जिसने क्लियर किया है वो ही ये हिडन चैप्टर्स खेल सकता है। तो नॉर्मल मोड पे हमारा ये अनलॉक्ड है, तो यहां पर हम देखेंगे तो हमारा हिडन चैप्टर्स अनलॉक है। ये 18.5 में एडिशनल 2 स्पेशल गाइड ऐड कर दिया गया है, उसके बाद आप जाओगे तो यहाँ पे आप हिडन चैप्टर देख सकते हो बेसिकली। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ दे आर गोना रोल थिंग्स। आप देख सकते हो हमें टिकट्स मिल चुके ऑलरेडी क्लियर का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 नए ऐड हुए हैं। सो उसके बाद आप अपडेट के लिए प्री रजिस्टर भी कर सकते हो ऑल दोस शेनानिगंस। तो यहाँ पर 2 हिडन चैप्टर्स हैं जो कि आप खेलोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 और 27, यानी कि यहाँ पर 6 स्टेजेस है और यहाँ पर 9 स्टेजेस है, ठीक है। सबसे पहले ये है यो स्ट्रेंज माना और फिर सीरीज ऑफ रेड गेट्स, ये दोनों हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को आप खेल सकते हो इफ़ यू वांट टू, दोनों हार्ड मोड और नॉर्मल मोड में, विच इज़ रियली गुड। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहला नोटिसबल चेंजेस होगा गेट में। अगर हम डिफिकल्टी देखेंगे तो यहाँ पे 2 और नए गिल्ड डिफिकल्टी गेट डिफिकल्टी ऐड कर दिए गए हैं, बट वो हायर लेवल ऑफ सन जिनवू पर आएंगे, जैसे 83 एंड 85। 34 आपका खुलेगा 83 लेवल सन जिनवू पे, एंड 35 आपका खुलेगा 85 लेवल सन जिनवू पे। उसके अलावा जो पास लेते हैं मेरी तरीके से तो उन्हें मिलेगा 10 स्वीप्स रादर देन 8, विच इज़ अमेजिंग। तो भाई लिटरली आप एस रैंक गेट अप डेली स्वीप करो एंड गेट दोज अमेजिंग गोल्ड, इंक्रीज गोल्ड ड्रॉप रेट्स, ठीक है। तो दैट इज़ रियली कूल एंड इंटरेस्टिंग, ओके। उसके बाद अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नए एनकोर एंड इंस्टेंस डंजन्स आ चुके हैं, तो मैं पहले बता दूँ, और साथ ही साथ नए आर्टिफैक्ट्स भी है और हायर लेवल आर्टिफैक्ट्स है, तो यहाँ पर टीयर 5 से लेजेंडरी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली एम फॉर रीचिंग दैट टीयर 5 रियली क्विकली, बट लेट मी टेल यू वन थिंग फॉर शॉर्ट कि ये स्टेजेस इजी नहीं है, दी स्टेजेस आर रियली हार्ड। और यहाँ पर सबसे पहले स्कॉर्चिंग लावा स्टोन गार्डियन की बात करें तो इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू विल नीड अ ब्रेकर। तो डेव्स प्लेड इट रियली राइट एट आवर फेसेस, तो यहाँ पे वाटर और फायर जिन दोनों के ब्रेकर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं उनको ही डिसएडवांटेज पे रख दिया, तो ब्रेक भी उनका कम होता है बिकॉज उनको एलिमेंटल एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पर वू जिनचुल एंड लिम टेग्यू, इफ़ यू हैव हिम, का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा निखर के आता है विथ ग्रीड, क्योंकि ग्रीड क्या करता है, अगर एलिमेंटल वीकनेस है तो ब्रेक को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बेक ऑन हो भी ग्रीड के साथ रन करोगे तो वो आपको एडवांटेज नहीं देगा, तो बेसिकली वू जिनचुल को वैल्यू देने के लिए इस एनकोर मिशन में विंड का एडवांटेज डाल दिया गया, सो दैट इज़ वेरी चालाकी, बड़े चालाक हो रहे डेव्स। तो वू जिनचुल को बिल्ड करना पड़ेगा, तो वू जिनचुल को आपको कैसे बिल्ड करना है विल टेल यू लेटर इन अ डिफरेंट वीडियो। तो डेफिनेटली इस स्टेज को आपको क्लियर करने के लिए ब्रेक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका टाइम चले जाएगा या फिर आप 3 ट्रॉफीज नहीं कर पाओगे एट द वर्स्ट केस, ठीक है। क्लियर तो आप कर लोगे ऑल द वे टू द 10, ठीक है। और एक नोटिसेबल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा टीयर 6 के बाद, जब मैं टीयर 7 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको एक फायर आइकन देखने को मिलेगा बिसाइड द पावर। यहाँ पर क्या लिखा है, दिस मार्क इंडिकेट्स अ हाई डिफिकल्टी बैटल दैट मे बी डिफिकल्ट टू क्लियर डिपेंडिंग ऑन व्हाट हंटर्स एंड इक्विपमेंट्स यू यूज इवन इफ यू आर अबव द रिकमेंडेड टोटल पावर। इसका मतलब है अगर आपका पावर इससे ज्यादा भी है 555,000 से तब भी ये डिफिकल्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन से हंटर और इक्विपमेंट यूज कर रहे हो। तो आपको बहुत दिमाग से स्ट्रेटेजाइज करके
बिल्ड करना है। तो डेफिनेटली मैं नया बिल्ड अपडेटेड गाइड लाऊंगा फॉर ऑल दी हंटर्स वन बाय वन, तो उन पर आप नजर रखिएगा, मेक श्योर यू बिल्ड देम अकॉर्डिंगली एंड आप इनको आसानी से क्लियर कर पाओगे विद दोस्त, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तो ये वाला, यहाँ पर लाइट और फायर को एडवांटेज दिया गया है, तो चाहिन का वैल्यू और चोई जोंग इनका वैल्यू बहुत निकल के आएगा इंक्लूडिंग योसो ह्यून। यहाँ पे ब्रेक गॉज का दिक्कत नहीं है, सो दैट इज़ रियली गुड, तो ये एक अच्छा चीज़ है यहाँ पर, तो आप लेके जा सकते हो टीम ऑफ चोई जोंग इन, मिन ब्यंगू एंड चाहे इन, या फिर आप योसो ह्यून को भी मिक्स में डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन हुएवर यू हैव द हाईएस्ट अपग्रेडेड। ये एक बहुत अच्छा टीम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे विंड और डार्क को डिसएडवांटेज है, सिमिलर अपोजिट टू व्हाट वाज हियर, तो बेसिकली एक दूसरे का रिवर्स या फिर मिरर इमेज है ये। अब सेरेबस और स्पाइडर खेलना बंद कर दो, अब ये दोनों खेलना शुरू कर दो, बिकॉज दीज आर द वंस दैट यू शुड गो फॉर। इसके अलावा इंस्टेंस डंजन में हम आते हैं तो यहाँ पर भी दो बॉसेस देखने को मिलेंगे, करेगलन और एक एबर्ग। एबर्ग तो भाई लिटरली एल्डन रिंग से उठाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इधर पे आपको ब्रेक करने की जरूरत है, विंड और डार्क टाइप का एडवांटेज है, सेम एज आई सेड वू जिनचुल को वैल्यू दिया जा रहा है यहाँ पे, तो वू जिनचुल यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। एंड सिंस दिस इज अ संगजिनबू स्टेज, यहाँ पर आप इजीली वेस्टविंड यूज कर सकते हो बिकॉज विंड को एडवांटेज है, राइट। सो वेस्टविंड का यहाँ पे बहुत अच्छा वैल्यू आ गया, इवन दो वेस्टविंड इज नर्व्ड इन बैटलफील्ड ऑफ टाइम, बट यहाँ पर वेस्टविंड को एक अच्छा खासा मैसिव वैल्यू दे दिया गया है। और डार्क है तो आप प्लूम के साथ वेस्टविंड को यूज कर सकते हो टू गेट दैट क्रिट एंड दैट क्रिट हिट ऑन द रन, तो ये बहुत अच्छा चीज़ किया डेव्स ने, बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो अपने वू जिनचुल को, देन यू कैन ऑल्सो यूज एमएम या मिरे एंड अ बफ कैरेक्टर जो बफ करेगा सपोर्ट कैरेक्टर, तो उस तरीके से आप इसको बिल्ड करके देख सकते हो, आई विल मेक अ गाइड ऑन दिस एज वेल। फिर आईबर्ग पे हम आएंगे तो यहाँ पे फिर से लाइट और फायर का एडवांटेज है, तो लाइट में मिनब्यंगू इज एन ऑब्वियस चॉइस जो यहाँ पे आपके टीम में रहने वाला है, यू कैन टेक चाहिन एज वेल। और यहाँ पे मिक्स में मे बी एमएम या मिरे को मेल इन फ्यूचर को आप डाल दो फॉर सम बफ्स, अगर आपको डीपीएस चाहिए और या फिर आपको एडवांटेज वाले एलिमेंट ही यूज करने, तो आप चोई को यूज कर सकते हो, एनी वन अप फ्रॉम दीज टू एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, और सेम विल बी गोइंग फॉर द रूनस एंड ब्लेसिंग स्टोन्स एज वेल डिपेंडिंग ऑन द कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो इन दोनों को भी आपको वैसे ही क्लियर करना है, इन चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये तो बात रही इन चार गेम मोड्स के बारे में। हंटर आर्काइव में आते हैं तो हंटर आर्काइव में भी और नए कैरेक्टर्स ऐड हो गए हैं, विच इज़ द न्यू बेस्ट एडिशन, एमएम या मिरे सीक्रेट लाइब्रेरी, एंड आई डोंट थिंक एमएम या मिरे का सीक्रेट लाइब्रेरी है, तो इसका कॉस्ट्यूम भी एक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर जाएंगे रिवॉर्ड्स में, हंटर ओरिजिन रिवॉर्ड्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका भी एक कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगा, कलर अलग है ये, एक उसका एक क्रोमा दे रहा है, बेसिकली एक कलर दे रहा है ऑफ द सेम कॉस्ट्यूम दैट वी हैव, तो दैट इज समथिंग गुड, ठीक है। ये वाला चेस्ट दे रहा है, ये भी अच्छा है, तो सेम यहाँ पर भी दो टिकट सेम टू सेम है एज वी हैड फॉर पार्क हीजिन एंड योसो ह्यून, ठीक है। तो सेम तरीके से आपको सारे क्लियर करने, मैं इन पे टाइम नहीं फोकस कर पा रहा हूँ, आई विल सडनली डू देम, एक दिन बैठूंगा और सारे कर देंगे, विल गेट ऑल द एसेंस स्टोन एंड द रिवॉर्ड्स रिक्वायर्ड। और इसका मल्टीप्ले फीचर भी आई थिंक ऐड हो चुका है, यू कैन प्ले मल्टीपल ऑफ दीज नाउ एट वंस। अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे सीक्रेट लाइब्रेरी पे, ठीक है, और यहाँ पे इस हाईएस्ट स्टेज पे मैं जाऊँगा, तो आप देख सकते हो मैं एक साथ मल्टीपल कीज यूज़ कर सकता हूँ, ओके, ऑप्शन यहीं पर दिया हुआ है। तो हम कितने कीज यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ 4 एट मैक्स, तो हम 4 एट मैक्स यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द बेस्ट टीम पॉसिबल हियर टू गेट मोर पॉइंट्स। तो यहाँ पे बेस्ट टीम आपका रिक्वायर्ड होगा विथ हिम एंड हर, तो यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं एडिशनल मिलते हैं, तो हमें लिटरली 700 पॉइंट्स एक बार में मिल जाएंगे बाय यूजिंग द 4 कीज रिक्वायर्ड हियर। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमें अच्छा खासा पॉइंट्स एक बार में मिल जाएगा एंड विल बी एबल टू क्लियर दिस। तो लिटरली इसका भी क्रोमा ऐड हुआ है, आई थिंक ये भी क्रोमा है, नहीं ये क्रोमा ही है, राइट, या दिस इज ऑल्सो क्रोमा नाउ, ओके। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम को क्रोमा बोलने लग गए ये लोग लिटरली, सो या दैट इज वॉट इज हैपनिंग हियर। तो ये सारे गेम मोड्स हो गए, अब हम आते हैं बैटलफील्ड ऑफ ट्रायल्स में। तो बैटलफील्ड ऑफ ट्रायल्स में भी आपको एक मैसिव चेंज देखने को मिलेगा, आप 10 स्टेजेस की जगह 15 स्टेजेस एंड आई थिंक रिवॉर्ड में भी एक खासा इंप्रूवमेंट है। एसेंस स्टोन 50 की जगह 150 कर दिया गया, सो दे हैव ट्रिपल्ड द रिवॉर्ड्स बट द स्टेज इज स्टिल द सेम। तो बेसिकली यू आर लिटरली गेटिंग 15 × 150, दैट इज 7500 आई थिंक, राइट, या 7500 Essence Stone from here and 7500 Essence Stone from the Hunter stage. तो literally आपको game 15000 Essence Stone हर अपडेट में फ्री में दे रहा है, 15,000 Essence Stone भाई, पूरा करना है इसको, ठीक है, पूरा का पूरा करना है। पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन में भी एक मैसिव चेंज आपको देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स दैट यू गेट, इनमें समन टिकट और ये सब ऐड कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली लास्ट के चार रिवॉर्ड्स आर द न्यू एडिशन टू द रिवॉर्ड्स, सो प्लेइंग पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। लेट मी ओपन दिस चेस्ट अप एंड लेट मी शो यू कि क्या हमें ये रिवॉर्ड्स मिल पाता है। वी वर रैंक 4, वी आर ऑलमोस्ट देयर एट रैंक 3। ऑल राइट, देखो हमें मिला है शैडो वाले मटेरियल विच इज ग्रेट और पाउडर ऑफ ब्लेसिंग स्टोन पाउडर, ऑल राइट, तो ठीक है, ये एक चेंज है। बैटलफील्ड ऑफ टाइम का भी एक नया सीजन बिगिन हो गया है, ठीक है, सो यू विल गेट ऑल दिस रिवॉर्ड्स, क्लेम दोज। उसके अलावा यहाँ पर हम आएंगे तो आप देख सकते हो
आ चुका है हंटर मोड पे, ठीक है, होबो गॉब्लिन लीडर, तो डेफिनेटली इसको भी बफ मिला मैसिव यूजिंग द एलिमेंट रिक्वायर्ड। तो डार्क एलिमेंट को आप यूज करोगे तो आपको ज्यादा पावर देखने को मिलेगा, 200% डैमेज रेट इंक्रीज विच इज मैसिव, और साथ में चैलेंज भी आ गया बैटलफील्ड ऑफ टाइम का, तो इसको भी क्लियर कर लो फॉर सम अमेजिंग रिवॉर्ड्स। तो ये एक और चेंज है। उसके अलावा वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट का हार्ड मोड आ गया, तो जल्दी जल्दी अगर आप क्लियर करोगे, इफ़ यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू क्लियर दिस, देन यू विल बी गेटिंग सम एडिशनल बेनिफिट्स, यानी कि आपको एक एडिशनल आइकन वगैरह कुछ मिलेगा। फर्स्ट 1000 पीपल जो इसको क्लियर करते हैं उन्हीं को, एक चीज़ देखने की बात है यहाँ पर रिवॉर्ड्स में, सिर्फ लेजेंडरी टाइप आर्टिफैक्ट्स है, सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी, आप देख सकते हो, दैट इज़ मैसिव। फर्स्ट स्टेज में आपको सिर्फ हेलमेट, आर्मर, बूट्स और ग्लव्स मिलता है, सेकेंड स्टेज में आपको सिर्फ एसेसरीज मिलता है, एंड वल्कन में आपको सारे मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक हंटर और संजीन वो दोनों स्टेजेस इधर भी है, सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन द नॉर्मल मोड, ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और छठा कौन सा होगा, फिर वही हंटर वाला, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन प्ले 6 स्टेजेस एंड यू कैन गेट ऑल द रिवॉर्ड्स, ठीक है। ये हार्ड मोड है, तो भाई पावर लेवल रिक्वायरमेंट भी आप यहाँ पे देख लो, संजीन वो का 700K इज द पावर रिक्वायरमेंट, विच इज मैसिव, विच इज़ अ लॉट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। 90 लेवल का है ये भाई, क्रेजी आफत मचाएगा, 650,000 भाई, इतना ईजी नहीं है। विल ट्राई टू अटेम्प्ट विथ आर मैक्सिमम बिल्ड एंड आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि हमारा हो पाएगा कि नहीं, बट विल डेफिनेटली ट्राई आर बेस्ट टू डू इट एंड विल लेट यू गाइज नो, ठीक है, कि हमसे हो पाता है कि नहीं, एंड वो वीडियो भी आ जाएगी। तो या वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और हम आते हैं लास्ट एक चीज़ पर जो कि होने वाला है ऑब्वियसली आवर समर वेकेशन। तो समर वेकेशन के बकेट लिस्ट आइटम के जल्दी जल्दी आप ये करो, क्योंकि आप यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये वेकेशन इंस्टेंट कैमरा मिलता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मटीरियल है टू बी एबल टू गेट दोज SSR वेपन, ठीक है, SSR नए वेपन जो है। साथ में आपको ये माना इम्ब्यूट फैब्रिक भी मिल रहा है, इससे आप अलग अलग कलर्स खरीद सकते हो ऑफ द कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। कॉस्ट्यूम के कलर्स खरीदने का ये मटेरियल आई थिंक आपको एनफ मिलेगा कि आप एक कॉस्ट्यूम कम से कम ले सको, और यहाँ पर आई थिंक आपको एनफ मिलेगा कि आप एक SSR वेपन बना सको। आपको इवन ट्रेसेस ऑफ शेडोज भी मिल रहे हैं, विच इज मैसिव, राइट, दीज रिवॉर्ड्स आर अमेजिंग, ठीक है। आप यहाँ पर रिवॉर्ड्स देखते जाओगे तो आपको काफी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कोई कोई दिन अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे, कोई कोई दिन ठीक ठाक से। 7th डे पे 2 कीज है, दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ ओके ओके, आई थिंक लास्ट डे पर ही वो ट्रेसेस ऑफ शेडो, बाकी ऐसी रेगुलर मटेरियल्स है, बट ये भी आपको काम आएंगे टू रिसीव मोर रिसोर्सेज। तो डेफिनेटली एन गो एड एंड प्ले दीज रिवॉर्ड्स, ठीक है। आप देख सकते हो एनकोर और इंस्टेंस में यहाँ पे कैमरा, और ये लिखा आई थिंक टीयर 5 से कैमरा ड्रॉप होना स्टार्ट होगा, आई एम नॉट श्योर दो, बट या ठीक है। एक बार मैं टीयर 5 यहाँ पे देखता हूँ, मे बी यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड्स में दिख जाए। ओके, यहाँ पे आई डोंट थिंक हमें रिवॉर्ड्स में यहाँ पे अभी दिख रहा है, तो व्हेन वी प्ले दीज विल बी एबल टू सी, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं तो सजेस्ट करूँगा ये हायर वाले ही खेलो, इफ़ यू आर एट लेवल 80 एंड अबव ट्राई टू क्लियर दोस। और या उसके अलावा एक्सचेंज शॉप पर आते हैं तो देर इज़ अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स इन स्टोर फॉर अस, तो डेफिनेटली इन सभी को क्लेम करना है, कुछ भी मिस आउट नहीं करना, मिस आउट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरे ओपिनियन में। तो डेफिनेटली सबसे पहले कैमरा से तो आपको ये 5 SSR वेपन आप ले सकते हो, ठीक है, शार्क वाटर गन, तो 5 ये डेफिनेटली आपको चाहिए, तो 400 तो यहाँ पे आपको कलेक्ट करना है। देन यू ऑल्सो वॉन्ट 4 ऑफ दीज, तो 400 + 200 = 600, तो 600 ये तो आपको बिल्कुल 600 लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट 600 ऑफ दीज यू डेफिनेटली डोंट वॉन्ट टू मिस आउट, तो आपको 600 कैमरा चाहिए लिटरली टू गेट द मेन मेजर रिवॉर्ड्स, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं तो यू विल ऑल्सो बी गेटिंग सम SSR वेपन्स ऑफ संग जिनवू फॉर फ्री। समर स्टोरी अगर आप देखोगे, इसके लास्ट वाला स्टेज देखोगे, आपको यहाँ पे SSR वेपन फॉर फ्री मिल रहा है, फिर चैप्टर 2 में भी एक SSR वेपन फ्री में मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक आप क्राफ्ट भी कर सकते हो। अब हम क्राफ्ट में जाएंगे तो क्राफ्ट में कितने क्राफ्ट कर सकते हैं, लेट मी फाइंड दैट आउट। ओके, क्राफ्ट में अगर हम यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे संग जिनवू का वेपन आप 9 बार क्राफ्ट कर सकते हो। यू नीड अ टोटल ऑफ 45 ऑफ दीज शेल्स एंड 9 ऑफ दीज, ठीक है, 9 and 45। तो शेल कहाँ से मिल रहे हैं, लेट मी फाइंड आउट। ओके, तो लिटरली आपको शेल मिलेंगे फ्रॉम, लेट मी सी, यहाँ पर तो शेल नहीं मिल रहे, ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग इट फ्रॉम हियर। ओके, आई मे बी समर स्टोरी में आपको शेल मिल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर दो। ओके, लेट मी स्किप दीज, विल वॉच इट लेटर। ओके, 25 भाई कैमरा तो अच्छे खासे आपको अमाउंट में मिल रहे हैं, वाओ, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कैमराज, डैम, यू विल बी ईजिली बी एबल टू गेट दीज भाई, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दे आर गिविंग अवे अ लॉट, ठीक है, आई वॉज जस्ट वरीड फॉर नथिंग, ठीक है। मेरे को बस देखना है शेल कहाँ से मिल रहा है आपको क्राफ्ट करने का, लेट मी फाइंड आउट 1 सेकेंड। ओके, ये शेल कहाँ से मिलेगा, अ मटेरियल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ वर्ल्ड ड्रॉप ड्यूरिंग द समर वेकेशन इवेंट पीरियड, कलेक्टेड थ्रू वेरियस गेम मोड्स टू एक्सचेंज इट फॉर आइटम्स। तो ये वर्ल्ड ड्रॉप है, तो यहाँ इवेंट्स में लिखा हुआ होना चाहिए वर्ल्ड ड्रॉप में, राइट, तो क्या खेलने से मिलेगा। ओके, एनकोर मिशन एंड इंस्टेंस डंजन खेलने से मिलेगा, तो मुझे अभी तक एक भी नहीं मिला है ये, तो ये कैसा वर्ल्ड ड्रॉप है, आई डोंट नो, मे बी इट इज बग्ड राइट नाउ, नए वाले स्टेजेस पे ना मिल रहा हो। तो या गाइज, ये है एक ब्रीफ ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द इवेंट्स एंड एवरीथिंग दैट हैज कम इन द गेम।
आई एम वेरी हाइप्ड एंड एक्साइटेड फॉर दिस. ऑब्वियसली मेलिन फिशर एमएम या मिराई का आप वेपन क्राफ्ट कर सकते हो थ्रू द इवेंट्स. वो सब इवेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है. तो या वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. व्हाट आर थॉट्स एंड ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड अगर चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, अराइज़.